आप सब, आज बनाएंगे हम स्टीम मोमोज विदाउट स्टीमर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आज बनाएंगे हम मोमोज, इसलिए हमने लिया है मैदा। ये जो बड़ा कटोरी हमने उसे भर के लिया है मैदा, और इसमें डालेंगे हम ये आधा चम्मच नमक और हल्का सा रिफाइंड ऑयल। पहले हम इसे अच्छे से रिफाइंड के साथ मसल लेंगे, नमक और मिक्स कर लेंगे मैदे में। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लूंगी, अच्छा से डो तैयार कर लेंगे। ना गीला ना टाइट, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। तो हमारा ये डो तैयार हो चुका है, हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। ये गीला कपड़ा है, गीले कपड़े से जैसे इसकी परत सूखे ना। और इसके बाद हम इसकी फिलिंग बनाने के लिए सब्जी काटेंगे। तो पत्ता गोभी है, और ये हमारी प्याज लाल और हरी मिर्च, ये हम कट कर लेंगे। तो जब तक हमने अपना आटा सेट होने के लिए रखा, तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने पत्ता गोभी कद्दूकस कर ली है। ये हमने प्याज भी कद्दूकस कर ली है। ये थोड़ी सी लहसुन है जिसे हमने बारीक काट लिया, और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है जिसे हमने बारीक काट लिया। अब हम फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई ली है, और उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई लहसुन। उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। दोनों को थोड़ा सा भून लेंगे तेल के साथ। हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई कद्दूकस की हुई प्याज, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी। इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हमने आटे में भी नमक डालते हैं, इसलिए मैं इसमें 1.5 चम्मच ही नमक डालूंगी। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब नमक और काली मिर्च हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसके साथ। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा ढक्कन सोया सॉस, 1 चम्मच करीबन सोया सॉस डाला हमने, इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि मोमोज में जो सब्जी है वो थोड़ी सी कच्ची अच्छी लगती है, इसे थोड़ा सा सब थोड़ा पकाएंगे ताकि सब्जियों का कच्चापन निकल जाए। तो ये हमारी सब्जियां जो है ये पक चुकी है अच्छे से। आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे मोमोज की चटनी, जिसके लिए हमने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, ये लिए हमने लाल सूखी मिर्च, 1 प्याज हमने बारीक काट लिया है, ये थोड़ी सी लहसुन लिया जिसे हमने बारीक काट लिया है, और ये लिया है अदरक जिसे हमने कद्दूकस कर लिया। अब हम बनाएंगे चटनी। तो सबसे पहले हमने चटनी के लिए ले लिया है पतीला, उसमें हमने रखा है पानी। अब हम इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो जो हमारे टमाटर है, हम ये जो ऊपर का टिप होता है इसको कट कर लेंगे, और इसमें कट लगाएंगे, पूरा नहीं कट लगाना है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से कट लगा लेंगे अपने टमाटर में। तो ये पानी जो हमने रखा था इसमें बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। तो ये जो सूखी मिर्च थी इसे हमने 5 मिनट भिगा के रखा था, अब हमने इसका पानी अलग कर लिया इससे, अब हम इसे भी पानी में डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक हमारे टमाटर जो है इनकी स्किन ना उतरने लग जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये टमाटर जो है इनकी स्किन उतर चुकी है अच्छे से। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, अब हम इस पानी को छान लेंगे। तो अब हम इसका छिलका उतारेंगे।
तो हमारे टमाटर की स्किन हमने निकाल दी है और हमें इन्हें मैश करेंगे, हल्का हल्का करेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है। तो अब हम बनाएंगे चटनी, जिसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, अच्छे से गरम होने देंगे। तो ये तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई लहसुन, इसी के साथ डालेंगे अदरक जिसे हमने कद्दूकस कर लिया था, थोड़ा सा सॉटे करेंगे इसे। और अब इसमें डालेंगे हम प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया था, इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे हम इसे। तो प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ टमाटर, एक चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा ये 1 चम्मच करीबन सोया सॉस डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बड़ा अच्छा आता है, मैंने 1.5 चम्मच डाली कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से इसके साथ। और जो ये हमारी सूखी लाल मिर्च हमने बॉईल की थी, इसको भी हम इसके साथ डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे, बस ज्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो ये इसको पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने अपनी चटनी के लिए जो मसाला बनाया था ये अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने अपना जो पेस्ट बनाया था ये इसमें ट्रांसफर कर लिया जार में, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी मोमोज की चटनी जो है ये रेडी हो चुकी है, अब हम मोमोज बनाएंगे। तो मोमोज के लिए जो हमने आटा लगाया था वो हमारा सेट हो चुका है, थोड़ा 1 घंटा हो चुका है इसे, इस तरह से हम उसके लोइयां काटेंगे। छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, हमारे मोमोज रेडी होते हैं तब तक हमने मोमोज बनाने के लिए जो पानी लिया है बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो मैंने ये जो आटा लगाया था उसकी लोइयां तैयार कर ली है मोमोज बनाने के लिए, अब हम इसे बेलेंगे और उसमें फिलिंग भरेंगे। तो प्लेट में मोमोज ना चिपके इसलिए मैं इसमें ऑयल लगा लूंगी कि हमारे मोमोज जो है इसमें चिपके ना, कि हम बेल के फिलिंग भर के इसमें रखेंगे। तो हम ये चकला बेलन पे भी ऑयल लगा लेंगे, हमारे जो है अच्छे से मोमोज बन जाए, उस पर चिपके ना, उस पर भी अच्छे से लगा लेंगे। तो पतला पतला बेलेंगे कि हमारा जो ये है बाहर का कवर कच्चा ना रह जाए इसका मोमोज का, पतली बिल्कुल पतली। अगर मोटा ना बेले लेंगे तो अपने हिसाब से कम ज्यादा भरना, तो ज्यादा भरेंगे तो फिर अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएगा। मैंने 1 चम्मच से थोड़ा और भरा है, इसको ऐसे तो जो साड़ियों के प्लेट हम लगाते हैं ना उस टाइप से, मैं हाथ में लेके इसको राउंड राउंड घुमाना है ऐसे, जो ये एक्स्ट्रा है ये हम निकाल लेंगे।
इसी तरह हम सारे मोमोज बना लेंगे। तो हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए हमने छन्नी ली है और इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसको भी अच्छे से ऑयल लगाएंगे चारों तरफ, जैसे हमारे हमारे अच्छे से बन जाए, इसमें चिपके ना। तो जो हमारा पानी जो अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें ये परात रख देंगे और इसमें रखेंगे अपने मोमोज। इनको हम ढक देंगे जिससे ये भाप से अच्छे से पक जाए। 10 या 15 मिनट लग सकते हैं बनने में, आप चेक करते रहे कि कच्चे ना रहे। तो हमारे मोमो स्टीम हो गए अच्छे से, देख लीजिए। हम इसे निकालेंगे, इसमें इनकी प्लेटिंग करेंगे। तो हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है और जो चटनी बनाई वो बीच में रख ली है और ये बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बने हैं। आप बहुत ही इजी तरीके से बनाए, आप जरूर ट्राई करें ये रेसिपी, एक बार जरूर बनाए अपने घर पर और कमेंट में जरूर बताने कि कैसे बने थे आपके, हमारे कैसे लग रहे थे। मैं अपनी बेटी को टेस्ट करवा रही हूँ, जेडी को, कि टेस्ट में कैसे बने, ये बताएगी। हमने फिलिंग ज्यादा भरी है, दुकान में तो थोड़ी सी फिलिंग भरते, पर घर में जितना मर्जी आप भर लो। चटनी कितनी स्पाइसी है, ज्यादा या फिर नॉर्मल है? उतनी टेस्ट करके तो बता। टेस्ट कैसा है बता? ना चटनी एकदम जैसे स्पाइस होनी चाहिए ना, वैसे सर पे चढ़ने वाली मिर्ची नहीं होगी, मजा आ रहा ना। और हमारी जेडी सारे खत्म कर लेगी, मैं दीपू के लिए बचाती हूँ, नहीं तो सारे फिनिश कर लेगी। इसके जो ये मैदे की है ना लेयर बहुत पतली है, बहुत पतली है, अरे कच्ची भी नहीं है ना, फिलिंग का ही टेस्ट आ रहा, काफी फिलिंग भी डाल रही थी ज्यादा, तो काफी अच्छी बनी है। तोड़ के भी दिखाती हूँ सामने से। ओह गर्म हो रहा है। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमने बनाए स्टीमर के बनाए हैं जुगाड़ू तरीके से, घर पे जैसे बनते हैं, हम लोग के पास ये चीज नहीं होता है। हमने आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बताया और बिना स्टीमर के बताया है कि आप कैसे घर में मोमोज बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे स्टीमर में बनते हैं, आप इस तरह जरूर बनाए, ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं हेल्दी खाना, अपने घर का हाथ का बना हुआ। वैसे अक्सर तो घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनती है, ये चीज तो बनती नहीं है, पर कभी कभी बच्चों का मन करता है तो ये जरूर आप ट्राई करें इस तरह का बना के। लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।